हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग। तो जैसे कि दोस्तों, आज हम लूप के बारे में बात करेंगे और तीन स्टेटमेंट देखेंगे, वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट और अनटिल स्टेटमेंट। ये तीन हम देखेंगे दोस्तों, स्पेशली बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ मैं। तो ये थोड़े से बेसिक प्रोग्राम है, ये देखने जरूरी है। तो मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, अपनी गिट वाली विंडो खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। एक फाइल मैंने पहले से बना रखी, उसको ओपन कर लेंगे। लास्ट में मैंने इफ कंडीशन का यूज कराया था। तो दोस्तों बेसिक है, इस तरह कुछ कमांड जो भी बेसिक होगा हम इस तरह से गिट में देख लेंगे। उसके बाद आगे जो एडवांस आएंगे वो मैं कहीं और कराऊंगा उनको। अभी हमारे पास लिनक्स का कोई भी यहाँ पर मतलब सिस्टम में नहीं है, तो लेकिन हम सीखना चाहते हैं तो इस तरह सीख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर लूप, यानी कि फॉर स्टेटमेंट कैसे शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर गिवन मतलब कि दिया हुआ, यहाँ पर फॉर स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। फॉर आएगा, उसके बाद एक जो भी एक वेरिएबल होगा, आई हो, ए हो, नंबर हो, कुछ भी हो, नाम, वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद कीवर्ड आएगा इन, और इन के बाद आप लिखेंगे जो भी, और आई टू थ्री फोर नंबर लिखेंगे जो भी। इसके बाद आएगा डू और डन, और डू और डन के बीच में हम एको कराएंगे जो भी कराएंगे, ठीक है। तो ये है फोर का स्टेटमेंट। लेकिन अभी एक चीज़ और है, मैंने जहाँ वन से लेकर फाइव तक नंबर दिए, इसका और भी तरीका है। मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा उसको, या ना भी बताऊँ तो आप समझ जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर वैल्यू दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ मैं इस फाइल को चला देता हूँ। तो देखिए, प्रिंट कर दिया इसने वैल्यू को, और यहाँ आप चाहें तो आप कैसे भी नंबर चला सकते हैं, 1 2 3 4 10 जितने भी चाहें आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये यानी कि आप इटरेशन कर सकते हैं फोर लूप से, इस तरह फोर लूप चलता है। तो आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी थोड़ा, वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब हम आगे जब डॉकर वगैरह देखेंगे और वहाँ आगे चलेंगे, वीडियो आएंगी मेरी नई। तो बेसिक का मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए, वैसे आई थिंक आपको होंगी, प्रोग्रामिंग करके आ रहे हैं आप। तो मैं यहाँ पर 10 तक ले लेता हूँ वैल्यू, सिंपल भाई, और नम नाम का एक वेरिएबल है। तो जहाँ मैं इतनी सारी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में रेंज दे सकता हूँ, सब हम कर सकते हैं। तो आई थिंक इतना आइडिया मैं आपको देना चाहता था, वो आपको मिल गया, काफ़ी है इसमें, बेसिक लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ क्यों गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर जो नम दिया, यहाँ पर मैंने आई लिखा हुआ है, मुझे लिखना पड़ेगा नम। अब मैं फाइल को यहाँ रन कराऊंगा तो देखिए यहाँ पर नंबर आ जाएंगे 10 तक, तो बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं आगे, वाइल लूप यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, वाइल स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ वाइल लूप ले लेते हैं, तो देखते हैं आपने प्रोग्राम तो की होगी, सिंपल वही है, कोई अंतर नहीं। तो यहाँ अब स्टेटमेंट में थोड़ा अंतर हो सकता है लिखने में, और जो लॉजिक है वही है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वाइल लूप में मैंने एक इको इसलिए लगा दिया ताकि वो थोड़ा गैप हो जाए ऊपर वाले फोर लूप से, और तब आउटपुट उसका दिखाई दे। मैंने एन इज इक्वल टू ले लिया 0, और एक वाइल यानी कि मैं वहाँ कंडीशन दे रहा हूँ वाइल लूप में कि लेस देन 10, जब तक वो लेस देन 10 रहे तब तक वो इस लूप के अंदर आया चले, अदरवाइज वो ना आए। तो यहाँ मैंने इको करा दिया एक नंबर, डॉलर एन करके लिखेंगे। उसके बाद मैं नंबर को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, देखिए रोंग लिखा गया या रोंग स्टेटमेंट है, जो मैंने वहाँ पर नंबर को मैं आगे इंक्रीमेंट करना चाहता था वो रोंग था, तो मैं उसको सही करना पड़ेगा। मुझे कुछ गलत, मुझे कहाँ यहाँ भी गलत नहीं है, ये तो सबसे ठीक चल रहा है। मुझे यहाँ लग रहा है मुझे डॉलर हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जो एन लिया है मैंने, वहाँ पर उसको नंबर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था। दोबारा से मैं क्लियर करा लेता हूँ, फिर से कराता हूँ, देखिए लूप चल गया। ये सिंपल है वाइल लूप स्टेटमेंट जो हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक अनटिल का भी मैं बताता हूँ, ये तीनों स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। तो इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है, वैसे ये सब आपको आते ही, मैं एक जर्नल लेकर चल रहा हूँ। आकर एक दो वीडियो के बाद फिर हम और भी एडवांस देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम आते हैं कमांड्स, वो हम देखेंगे, मेन हमारे वो हैं, ठीक है। ये बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ, इतना भी आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अनटिल कर रहा हूँ, अनटिल का मतलब कि जब तक वो 10 तक रहे, मतलब कि कहने का मतलब कि 10 से ऊपर ना जाए, 10 तक रहे, अनटिल ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा बिल्कुल सिंपल अनटिल स्टेटमेंट, वही है जैसे आप देखेंगे ऊपर, यहाँ मैंने लिख दिया, एको करा लेते हैं और कुछ प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में उसको वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा, सिंपल वही। तो ये तीन स्टेटमेंट दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे जो कंटेंट है ये आपको मतलब अगर आप थोड़ा मनोबल बढ़ाएंगे हमारा, तो ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे और काफ़ी हेल्प होती रहेगी। और आगे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वीडियो थोड़ा आगे तक चला जाए और हेल्प हो सके कुछ बिगनर्स की। और सिंपल सा मैं यहाँ पर एको लगाता हूँ, जिससे गैप मुझे दिखाई दे। और आप चैनल पर आए हैं, नए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आपका बहुत वेलकम है इस चैनल पर। और जो अगर आप पुराने हैं तो भी आपका स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बता दिया तीनों स्टेटमेंट, तो इस तरह से बेसिक है, सिंपल दोस्तों। आप प्रोग्रामिंग करके आ रहे हैं, आपको इतना पता होगा, नया कुछ नहीं है, बस ये देखना था सेल स्क्रिप्ट हम कैसे
स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, सिंपल इतना। और आगे देखेंगे, अभी तो ये कम है, और उसके बाद हम 2, 3, 4, 5 कमांड्स एक साथ लिखा करेंगे जब स्क्रिप्ट लिखेंगे और वो रन हुआ करेगा। तो आगे आने वाले उसमें एडवांस में देखेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा फॉर लूप, देखा व्हाइल, देखा अनटिल स्टेटमेंट। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं कुछ नए लेकर, और तक